हाँ, मैं फरीद खान। हेलो, दिस इज देवी। अच्छा देवी जी, आपने भी फिल्म देखी और हमने भी आपके साथ में देखी फिल्म, कैसे लगा आपको पिक्चर? फिल्म देखिए, फिल्म इज लाइक बहुत अच्छी है। जो एक्चुअली इसकी जो थीम है, जो बनी है, जिस चीज की पर जो मुद्दा है, इट्स वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग। जो कि आज की लाइक बहुत सारी मूवीज ऐसे बनती है जो मतलब आज की इंडस्ट्री में क्या हो गई, तो ये भी उसी के ऊपर बेस है। लेकिन यहाँ पे जो दिखाए गए हैं, एक एक कैरेक्टर इतनी अच्छी तरीके से बनी है, तो लाइक ऑब्वियसली मुझे तो बहुत अच्छी लगी। नहीं, अगर देखा जाए तो मुझे तो इस फिल्म का ना एक तो बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा लगा, बैकग्राउंड इज लाइक ऑसम, और एडिटिंग इतनी फास्ट है, इतनी अच्छी है कि थोड़ी सी बड़ी फिल्म है लेकिन कुछ पता ही नहीं चला कि इतना टाइम हम लोग का कैसे गुजर गया। और खास करके आपका कैरेक्टर मुझे इसमें इतना प्यारा लगा और आपने इतने अच्छे ढंग से किया कुछ कहने के लिए। और मेरा कैरेक्टर आपको कैसे लगा बताएं? आपका कैरेक्टर फरीद जी, इट्स वेरी गुड। आपने जो भी दिखाया ना, एकदम लाइक जैसे आज की इंडस्ट्री में आज किस तरह लाइक ऐसे एक बिजनेसमैन कैसा वो लोग डील कर रहे हैं अपनी डॉटर से झूठ बोल के या अपनी फैमिली से, लाइक किस तरह ये बाहर में रंग रलियां मना रहे तो ये वो सब दिखा रहे हैं लाइक। और आपकी तो वाओ, आप तो सारे यंग जनरेशन को भी पीछे छोड़ देंगे मुझे। नहीं नहीं, वो तो खैर ठीक है, ये आपकी समझ है और आपने मुझे इस लायक समझ रहे हैं कि मुझे इस लायक सब तारीफ इतना कर रही है, लेकिन ये हमारे शिराज जी के दिमाग का कंसेप्ट था जो इसी बहाने से इंडस्ट्री की जो अंदर की जो गंदगी है, लेकिन जो हम लोग आए दिन फेस करते हैं, जो नई जनरेशन को नहीं पता है, वो दिखाने की कोशिश की उन्होंने कि लोगों को पता चले इंडस्ट्री के अंदर असलियत में हो क्या है। जी, ऐसा नहीं कि सब बुरे हैं, लेकिन कुछ जो बुरे हैं वो किस तरह से यहाँ पे सब तमाशे कर रहे हैं और किस तरह से फैमिलियाँ बर्बाद हो रही, लोग घर छोड़ के कहाँ कहाँ से चले आ रहे हैं, वो सब चीज़ें इस पर दिखाई हैं। तो कम से कम लोगों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा देख करके समझना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, और अगर हमें इस लाइन में जाना है तो क्या तैयारी करके जाना है, है ना। बहुत से लोग ऐसे आते हैं जिनको एक्टिंग नहीं आती, कुछ नहीं आती, एक्टर बनने चले आते हैं और उसके बाद उनका मिस यूज़ होना शुरू हो जाता है। अब वो चाहे लड़के हों या लड़की हो, किस तरह से उनको कमरों में कैसे करके उनको यूज़ कर लेते हैं लोग, कुछ कहने के लिए तो वो मजबूरी में होता है कि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है। अगर आप एक्टर हैं, एक्टिंग सीख करते हैं, अपने बलबूते टैलेंट पे आप आओगे तो कुछ ना कुछ रास्ता बन सकता है ना। और एक बात फरीद जी, इससे आपको ये भी जानने मिलेंगे कि लाइक किस तरह आपको आपके बच्चे के साथ डील करना है। Correct. सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे यहाँ पे आप और आपकी बेटी बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, लेकिन आपकी बेटी आपको बोल नहीं पाती कि वो एक्चुअल क्या चाहती है, तो इसकी वजह से लाइक कहीं ना कहीं लाइक इसमें पिता की भी लाइक एक रिस्पांसिबिलिटी है कि लाइक किस तरह अपनी बेटी को कंफर्टेबल फील कराना। वो कंफर्टेबल जो होती है ना बेटी और पिता के बीच, ये होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ बेटी और पिता की नहीं, इनफैक्ट मैं बोलूँगा लाइक आपकी फैमिली के अंदर ये जो कन्वर्सेशन होना ज़रूरी है, बहुत बहुत जरूरी। क्या चाहते हैं आपको ये देखना जरूरी है कि आपकी बेटी या बेटा क्या करना, वो क्या बनना चाहती है, क्या चाहती है, जो उसका शौक हो, जो उसका पैशन हो, जो उसका जुनून हो, जिसके में आगे वो बढ़ना चाहती हो, हमें उसकी हेल्प करके उसमें बढ़ाना चाहिए। हाँ जी, ये उसको रोकना चाहिए कि अगर आप बात जब तक आप कंफर्टेबल एक दूसरे के साथ नहीं है, भले ही आप प्यार करें लेकिन आपको अच्छी तरह से वो शेयर नहीं कर पाएंगे ये एग्जैक्टली उसको क्या करना है, तो इसकी वजह से कभी कभी ये अभी का जो यंग जनरेशन है कभी कभी गलत डिसीजन ले लेती है, गलत स्टेप उठा लेती है, गलत रास्ता पकड़ लेती है, बाद में पछताती है कि क्या हुआ, उसको कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो अगर जो फादर है, यानी कि जो भी अंकल है घर के, अगर वो सही ढंग से बच्चों को लेकर चले तो कम से कम ये गलतियाँ ना हो, यही दिखाया गया हमारे, इसलिए इस मूवी की वही एक बहुत अच्छी बात कि लाइक किस तरह से एक जो स्ट्रगल करते हैं उससे क्या होती है। अभी देखिए, जैसे आपका इसमें कैरेक्टर था कि आप घर से आती हैं, छोटे से कस्बे से, गांव से, आपको कितनी कोशिश की गई लेकिन आप अपनी जगह पर अड़क रही और आखिर एक दिन आप कामयाब होकर के दूसरी सर्विस पकड़ ली, लेकिन ये लाइफ छोड़ दी उसमें, तो ये आपको इससे सबक मिलती है कि आपको किस तरह दिमाग को क्लियर रखनी है, आपको क्या डिसीजन लेना है, गलती में आके, ज़्यादा ओवर टेंस में आके, कुछ
कुछ गलत डिसीजन आपसे ना हो, तो ये दिखाती है मूवी में कि आपको क्या डिसीजन लेना है, क्या सोचना है, या आपको किस सोच से आप गलत डायरेक्शन में जाते हो, किस सोच से आप सही डायरेक्शन में जाते हो, और आपको किस तरह के लोग मिलेंगे, ये सारी चीज़ें इधर दिखाई गई है और जो कि बहुत रियलिस्टिक है. सो जो कंसेप्ट है सर की, इट्स वेरी गुड. नहीं नहीं, शराज हिंदी जी का कंसेप्ट इतना प्यारा है और उसका किस तरह से रोल उसको दिखाया है, उसको करके जो भी उनका अपनी सोच थी बहुत ही अच्छा लगा. और मुझे तो फिल्म के सारे करेक्टर इतने प्यारे लगे और हर एक बहुत इंपॉर्टेंट है. और सभी ने बाखूबी निभाई आपकी कैरेक्टर. और कोई भी पिक्चर देखे तो उसको पसंद आएगी, भले कुछ थोड़ा सा स्पोजिंग अगर कहीं पे आजकल की स्टोरी के हिसाब से है तो वो भी जरूरी था, इसलिए कि आपको पता कैसे चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. अगर आप एक्सपोज नहीं दिखाएंगे तो प्रॉपर उनको आइडिया नहीं रहेगा क्या होती है एग्जैक्टली. तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि दिखाने के लिए कि ऐसे भी होती है. इसकी वजह से आपको व्यूअर से क्या कहना चाहती हैं जो फिल्म देखने वाले हैं? मैं व्यूअर से ये कहना चाहती हूँ कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए. बहुत अच्छी कंसेप्ट है, आई मीन, और हम सब ने बहुत मेहनत की है इसके बिल्कुल बेशक अपने अपने किरदार को सही ढंग से दिखाने के लिए. सभी ने छोटे छोटे जिसकी भी रोल है सारे ने बहुत ही अच्छे से अपना अपना परफॉर्मेंस दी है. और हमारे सर, हमारे सारे क्रू मेंबर, टीम, सारे ने बहुत मेहनत की है. और ये मूवी बहुत अच्छी मूवी है, आपको देखना चाहिए. और आपको मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आप इसे देखकर आप बोर नहीं होंगे और आपको अफसोस नहीं होगा कि मेरे पैसे चले गए. अफसोस नहीं होगा. बस फिल्म का नाम याद रखिएगा, फिल्मी रासलीला. यस. और फिर देखिए आप फिल्म इंडस्ट्री की क्या सच्चाइयां सब आपके आंखों के सामने आएंगी. याद रखना फिल्मी रासलीला. बस ये 2016 में रिलीज होने वाली है. आप लोग बिल्कुल तैयार, बहुत जल्द कमिंग सून आपके शहर में आने वाली है. ओके, जस्ट आफ्टर.